सीताराम नानी हरिओम हरिओम हरिओम। पहले तो मैं खुद को इतना लकी समझती हूँ कि मैं राम नानी परिवार में बॉर्न हुई। मेरी बहुत खुशनसीब है कि मुझे मेरे मेरा परिवार और मेरा इन-लॉज का परिवार बहुत अच्छा मिला है, इतना सपोर्टिव मिला है कि जो बोलती हूँ उसमें हमेशा राजी रहते हैं। और मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो जेन योगा हमें सिखाया है, क्योंकि जब मैंने बुक खोला था पढ़ने के लिए, राजपाल सर की लैंग्वेज में कहूंगी बाउंसर गया था, तो बहुत डिफिकल्ट था। मैंने बोला अभी जा रहे हैं, मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि अब तक जो भी नॉलेज मुझे रामनानी सर ने अभी तक योगा के क्षेत्र में दिया है वो पूरा का पूरा मेरे फिट है। तो मैंने बोला मैं जेन योगा भी जरूर अपनाऊंगी इस राह पे चल के, जो भी उन्होंने सिखाया है धीरे धीरे सब फॉलो करूंगी। इवन घर वालों को भी मैं बोलूंगी कि थोड़ा अपना टाइम टेबल हम जरूर बदलें, क्योंकि हमारा टाइम टेबल बहुत ज्यादा खराब है, तो वो मैं जरूर फॉलो करूंगी। और जेन योगा में आने का मेरा मकसद ये था कि पुराने जो शिक्षक हैं उनके साथ मेरा गेट टुगेदर होगा, जो बहुत सालों से मैं योगा क्षेत्र में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा किया था। हमेशा रामनानी सर मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि ना तू करेगी नहीं है, तू करेगी नहीं है, तो उनके सब चीजों पे मैं हमेशा कायम रही हूँ। तो मैं चाहूंगी मैं इस राह पे भी मैं जरूर अमल रहूं। इसके लिए मैं थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और सोने जी सर का फोन आया था उसके लिए भी थैंक यू। जिन्होंने मुझे बहुत बोला और रेखा ठाकुर जी, उन्होंने मुझे बहुत बोला कि प्लीज, हाँ कंचन ठाकुर जी उन्होंने बोला प्लीज आप करिए, प्लीज आप करिए। मैंने बोला जरूर करूंगी। जैसे ही सोने जी सर का फोन आया मेरे मन में था कि मुझे डॉक्टर रामनानी सर फोन करेंगे, तो उनको मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि मुझे सर का फोन नहीं आया है। बोला अगर आप ना बोलेंगी ना आपको तुरंत सर का फोन आ जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, उसकी मैं पावर नहीं दूंगी, तो मैं 100% ये कोर्स में आऊंगी। और भगवान की मर्जी थी इस कोर्स में आने की, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ 15 days से पुणे थी, तो मेरे दिमाग में था अगर वो डिले होती है तो मेरा ये कोर्स रह जाएगा। बट भगवान चाहते थे कि मैं जेन योगा के लिए आऊं, इसके लिए वो संडे को आ गई और मैंने तुरंत हाँ बोल दिया कि मैं जेन योगा के लिए आऊं। और एक बात कहूंगी, योगा से मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, पहले मैं माइक नहीं पकड़ सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी। सर हमेशा मुझे बोलते थे कि तू कुछ चौक, मैं बोलती थी ना ना माँ कुछ ना चाहती माँ। तो आज जो मुझे कॉन्फिडेंस आया है वो सिर्फ और सिर्फ योगा के वजह से आया है। उसके लिए